कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है रिपब्लिक टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ज़रूर से पता होगा हार्ड डिस्क को डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। हार्ड डिस्क में आप विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हो, मूवीज स्टोर कर सकते हो, फोटोज स्टोर कर सकते हो। बेसिकली ये एक स्टोरेज डिवाइस है। मार्केट में आपको तीन टाइप के स्टोरेज डिवाइस मिलते हैं। पहला है HDD जो है हार्ड डिस्क ड्राइव, और दूसरा है SSD जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव, और तीसरा है SSHD जो है सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। सबसे पहले हम बात करेंगे HDD के बारे में जो है हार्ड डिस्क। इस हार्ड डिस्क में एक डिस्क होता है, इसीलिए इसका नाम है हार्ड डिस्क, और एक मोटर होता है जो हार्ड डिस्क को रोटेट करता है, और उसका स्पीड हो सकता है या तो 5400 RPM या फिर 7200 RPM। अगर RPM ज़्यादा हो तो हार्ड डिस्क उतनी ही फास्ट होगी। अगर आप इसके रीड एंड राइट स्पीड के बारे में बात करो तो इसका स्पीड होता है 80 to 150 MBPS जो है 80 to 150 MB/s। हार्ड डिस्क में आपको इससे ज़्यादा रीड एंड राइट स्पीड नहीं मिल सकता क्योंकि यहाँ कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। दोस्तों अगर आप एक नॉर्मल PC बिल्ड कर रहे हो उसमें आप इस हार्ड डिस्क को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 150 MBPS एक नॉर्मल यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको एडिटिंग नहीं करना है या कोई हेवी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना है तो आप इस हार्ड डिस्क को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे यूज़र हो जिसे अच्छे रीड एंड राइट स्पीड की ज़रूरत पड़ती है तो आपको एक SSD कंसिडर करना चाहिए। इसके नाम से ही पता चल जाता है दोस्तों कि ये एक सॉलिड स्टेट ड्राइव है। इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, इसीलिए इसमें आपको बहुत अच्छी रीड एंड राइट स्पीड मिल जाती है। अगर आप सस्ती से सस्ती SSD भी लो तो आपको मिनिमम 300 MBPS की रीड एंड राइट स्पीड मिल जाती है जो कि है MB/s में। और अगर आप किसी अच्छे ब्रांड से SSD लोगे जैसे कि SanDisk और Transient तो आपको 500 MBPS की रीड एंड राइट स्पीड मिल जाती है। अगर आप Samsung जैसे ब्रांड से SSD परचेस करते हो तो आपको इसमें और भी अच्छी रीड एंड राइट स्पीड मिल जाती है। अब दोस्तों ये सवाल आ जाता है कि आपको SSD यूज़ कहाँ करना है। अगर आप एक अच्छा PC बिल्ड कर रहे हैं तो आपको एक SSD यूज़ करना चाहिए अच्छी परफॉर्मेंस निकालने के लिए। अगर आप एक SSD यूज़ करोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। दोस्तों आजकल SSD के प्राइस बहुत कम हो गए हैं, आप ज़रूर से SSD कंसिडर कर सकते हो अपने PC बिल्ड के लिए। दोस्तों अगर आप ऐसे यूज़र हो जिसका बजट बहुत कम है और आप SSD नहीं परचेस कर सकते और आपको SSD के स्पीड की भी ज़रूरत है, ऐसे में आप एक SSHD परचेस कर सकते हैं जो है सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। इसमें आपको 8GB की NAND फ्लैश मेमोरी मिल जाती है जो कि SSD में यूज़ होती है, और इसी में आपको हार्ड डिस्क भी मिल जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आपके PC को फास्ट स्टोरेज की ज़रूरत है तो आपका PC 8GB NAND फ्लैश मेमोरी को यूज़ करेगा फास्ट स्टोरेज एक्सेस करने के लिए, जिसका स्पीड होगा 500 MB/s का। और जो भी आपका रिमेनिंग स्टोरेज होगा वो आपका हार्ड ड्राइव होगा, इसमें आपको 80 to 150 MBPS का रीड एंड राइट स्पीड मिलेगा। ये तीनों स्टोरेज डिवाइस की लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेस्ट बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज़रूर से परचेस कीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक और कमेंट कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।